हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव पाठशाला। तो आप सभी को पता है कि जैसे कि बिहार कंबाइन एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से अमीन की वैकेंसी लेके आई गई थी, तो अमीन की वैकेंसी की फॉर्म फिलअप की डेट ऑलरेडी जा चुकी है। बात थी कि 15 और 16 फरवरी को एग्ज़ाम होने की बात थी, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की बात थी, लेकिन एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है। तो जैसे कि उस समय देखा गया था कि इतनी जल्दी फॉर्म फिलअप होकर इतनी जल्दी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया गया, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जिस हिसाब से डेट नज़दीक आ चुकी है ऑलरेडी, आज आपका ऑलरेडी 12 तारीख हो चुका है, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड का कोई खबर नहीं है। तो हमने बहुत ही जगह चेक किया, बहुत ही ज़्यादा जगह से इंक्वायरी भी की है कि क्या अपडेट है क्या नहीं है। तो जो हमें अपने अपडेट में दिख रहा है कि अगर आप देखें, अगर हम लोग लेटेस्ट नोटिस की बात करें इस पोर्शन में, तो सबसे पहला जो नोटिस है ये आपका कुछ दूसरे मतलब कि अमीन के रिगार्डिंग तो नहीं है, मैं उसे पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद अगर दूसरा नोटिस भी देखूँ तो सेम जो पहला नोटिस है उसी के रिगार्डिंग कुछ नोटिस है। तो अगर मैं इसी नोटिस को स्क्रॉल करके देखता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का जो नोटिस था अमीन का वही है। इसके अलावा नीचे में भी अमीन की एडवर्टाइजमेंट की नोटिस है, लेकिन इसके अलावा ऐसा कोई नोटिस का अपडेट नहीं है। अगर आप वेबसाइट पे देखें तो इस वेबसाइट पे कुछ भी अपडेट नहीं है कि अमीन की एडमिट कार्ड आई है या नहीं आई है, या एग्ज़ाम डिले होगा या क्या होगा, ऐसा कुछ भी खबर नहीं है। तो मैं ये वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप खुद भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर अपडेट नहीं है। तो जो हमें खबर पता चल रही है कि एग्ज़ाम जो होगा, एग्ज़ाम होने में डिले होगी, क्योंकि कभी भी एडमिट कार्ड कम से कम आपका 1 वीक अगो आ ही जाता है। क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बिहार के होने के बाद भी बाहर कहीं रहते हैं, कुछ बाहर के भी कैंडिडेट हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं, वो भी फॉर्म फिलअप करते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, और ये सारी ही बात जो भी बोर्ड है इन बोर्ड को पता रहता है। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी रहते हैं कि जो ओपन कैटेगरी से फाइट करते हैं, दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे भी कुछ कैंडिडेट होते हैं। तो यहाँ पे ये सारे ही बात बोर्ड को पता रहती है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक कोई भी एग्ज़ाम का डिटेल्स अभी तक नहीं है। रेलवे भी एग्ज़ाम कराती है तो 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी करती है, लेकिन 10 दिन पहले आपको बता देती है कि आपका एड्रेस क्या है, कि आप ट्रेन की टिकट बुक कर पाए। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें है यहाँ पे। तो जिस हिसाब से अगर सारी चीज़ को अगर एक जगह रख के बात की जाए, तो जो दिख रहा है कि एडमिट कार्ड आने में भी लेट होगा, यानी कि डिले होगी, और एग्ज़ाम भी होने में डिले होगी। आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ अपडेट आ जाएगी इन लोग की तरफ से, और जैसे ही कुछ अपडेट आता है सबसे पहले हम लोग आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको डायरेक्ट अपडेट आपको मिल जाएगा। तो यही सारा जो भी डिटेल्स आपको बताना था। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना नहीं भूलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल के अपडेट के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।